गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि हम जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स के लिए। जल्दी हम ब्रोमाइड्स, क्लोराइड और आयोडाइड्स को सिंथेसाइज करते हैं। फ्लोरीन की जनरली रिएक्शन हमारे पास इतनी ज़्यादा रिएक्शन उनकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का थोड़ा जो उसकी रिएक्शन रहती है वो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता। सो जो हम जो रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, हम जल्दी ब्रोमिन और हम अल्काइल ब्रोमाइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड की हम बात करेंगे। एक तो आप मैंने एक साइट्स बना एक गूगल पेज बनाया हुआ है, उस गूगल पेज पे भी जाके आप जो बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मटेरियल है आप वो वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको जनरली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वहाँ पे पूरा मटेरियल मिलेगा आपका, वहाँ पे क्या कहते हैं हम उसका सिलेबस हो गया, या उनकी कुछ मैंने आईआईटी जैम के भी क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, या दूसरे भी, और मैं दूसरे उस पर अपडेट्स देता रहता हूँ, या जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ वहाँ पर शेयर करना थोड़ा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा किसी भी तरह से नॉलेज के लिए, तो मैं उसको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मैंने वहाँ पे इवन नोबेल प्राइज़ विनर्स भी डाले हैं जो हमारे पास केमिस्ट्री में 1901 से आगे 2020 तक हमारे पास जितने भी जिनको भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो मेरा गूगल पेज है, अब उस पर जाने के लिए आप गूगल पे जाके आप www.sites.google.com/view/v रसायन, और जो इसका लिंक है आपको जो मेरे चैनल है वहाँ पे उसके अबाउट में मिल जाएगा। आप इस चैनल पे विजिट करके भी जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, फाइनल हो गया, मैंने सभी वहाँ पे उनको एक सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज किया है। आप वहाँ से भी उसको, या इन फ्यूचर भी आप अगर आप केमिस्ट्री में कुछ कर रहे हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मटेरियल मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे जो भी मटेरियल मिलेगा या जैसे जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो आपको बहुत हेल्प देगा हर एक फील्ड में। नेट से रिलेटेड लगा लो आप, या कोई दूसरे एग्जाम हो गए हमारे पीजी लेवल पे, आप वहाँ पे जाके उन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हो, मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आवर टॉपिक इज मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि हम अल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल से कैसे उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। जनरली इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है, ये इसको मैं हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करता हूँ और मुझे यहाँ पे मिलता क्या है, RX+ वाटर। मीन्स जो मेरा अल्काइल हैलाइड है उसको मैं वहाँ पे इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ। मीन्स जो यहाँ पे OH ग्रुप है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है, द OH ग्रुप इन द अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन द हेलोजन एसिड। मीन्स अल्कोहल हमारा मेन रिएक्टेंट है, और जो यहाँ पे हेलोजन एसिड की मैं बात कर सकता हूँ वहाँ पे हम उसको एज ए रिएजेंट हम उसको वहाँ पे यूज कर रहे हैं। अल्कोहल से मैं अल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड की रिएक्शन करके हीट करके मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, और साथ में मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर। अल्काइल हैलाइड जनरली किस टर्म में है, कॉमन नेम है, और हेलो एल्केन की अगर मैं बात करता हूँ वो क्या होगा हमारे पास, आईपीए सिस्टम में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेरे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हेलोजन एसिड में मेरे पास क्या हो सकता है, मैंने जैसे भी पहले आपको कहा था मेरे पास क्या होगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, मेरे पास एक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है,
मैंने उसको HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट किया। अब इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा? मींस अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी होगी हैलोजन एसिड की वो क्या होगी, जो मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के हैलोजन एसिड है, जो रिएक्टिविटी होगी वो इस तरह से होगी, HI सबसे ज़्यादा होगा, देन HBr, देन HCl। हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गली क्यों रिएक्ट करता है सबसे फास्टली, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl क्यों है। ओके, उसके बाद अब ये हो गया। और अगर मेरे पास कोई एक हाइड्रोजन एसिड है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे HI है, कोई भी हो सकता है, मैं हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहा हूँ, कि हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए मेरे पास ये दो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं, तीन अल्कोहल है मेरे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनकी क्या रिएक्टिविटी होगी? सो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, फॉर ए गिवन अल्कोहल व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन एसिड, एंड फॉर दैट द ऑर्डर इज दिस, फॉर ए गिवन पर्टिकुलर हैलोजन एसिड व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी। सो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब हम इसका रीजन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे। उस रीजन को पता करने के लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हमें मैकेनिज्म का नहीं पता होगा तो हम नहीं बता सकते कि वाई दी हैलोजन एसिड फॉलो दिस ऑर्डर एंड वाई द अल्कोहल फॉलो दिस ऑर्डर, हम ये उसके बारे में नहीं बता सकते। सो अब हमें बात क्या करनी है, हम बात करते हैं रीजन की, कि ऐसा क्या रीजन है। रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म को डिस्कस करना पड़ेगा। रीजन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, डिस्कस मैकेनिज्म, डिस्कस द मैकेनिज्म, हमें उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करना पड़ेगा। और मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि ये क्या मेरे पास R, OH और हैलोजन एसिड की मैंने बात की है, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है HBr, इसके पास क्या अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एसिड है, इजीली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो Br नेगेटिव इधर से बाहर, सो माइनस Br नेगेटिव, और साथ में क्या हो गया R O H H H, जिसके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो किसने क्या कर लिए, जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। सॉरी मैं इनको थोड़ा सा साइज इनका बड़ा कर देता हूँ। सो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये किस में कन्वर्ट होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R O H2 पॉजिटिव, वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर का एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बट R O H2 पॉजिटिव। अब इसमें जो ये ब्रोमाइड आयन है, सोल्यूशन के अंदर है ब्रोमाइड आयन, रिएक्शन मिक्सचर में है, सोल्यूशन में है, रिएक्शन मिक्सचर में है, अभी ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन में घूम रहा है, उसको जब तक कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं मिलेगा, जब तक उसके पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उसको नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ही ओ एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, सो जो ब्रोमाइड आयन है वो क्या करेगा, यहाँ पे बैकसाइड अटैक करेगा, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एक्स में या आर बी आर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ब्रोमो एल्केन में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल। सो इस सभी में हमने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल को मैंने हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट किया, हैलोजन एसिड हैलोजन रिलीज करेगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आर ओ एच टू पॉजिटिव, और आर ओ एच टू में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर का, यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम मेंशन करते हैं कि एच टू ओ इज ए गुड लिविंग ग्रुप, एच टू इज गुड लिविंग ग्रुप, वाटर का एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे बी आर नेगेटिव ने इसके पास अटैक किया और वाटर को वहां से पुश किया, मीन्स ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप। अगर यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, क्या ब्रोमाइड आयन वहां पे आर पे अटैक कर सकता था, नहीं कर सकता था, मीन्स कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए जिससे कि दूसरे को जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयन्स है, उसको वो रिएक्ट करने के लिए थोड़ा एक्साइट करे, कि
इसने यहाँ पे क्या किया, मॉलिक्यूल को बी आर नेगेटिव को एक्साइट कर दिया कि अब वो इजीली आर ग्रुप पे अटैक कर सकता है क्योंकि वहाँ पे वाटर चला जाएगा। और जब वाटर जाएगा यहाँ से, अब ओ एच टू पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चलेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चलेगा तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास आ गए, सो आर पे कह रहा है, आर पे तो कुछ रहा ही नहीं, आर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट हो गया तो बी आर नेगेटिव उस पर इजिली यहाँ पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, बी आर नेगेटिव वहाँ पे अटैक करेगा। इस रिएक्शन को हम एस एन टू भी बोल सकते हैं, हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एस एन टू मैकेनिज्म हुआ है क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है। सो अब हम आते आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि फॉर ए गिवन अल्कोहल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड एंड फॉर ए पर्टिकुलर हैलोजन एसिड व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकंड के लिए मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये है आर ओ एच टू पॉजिटिव, यहाँ से वाटर अगर रिलीज हो जाता है सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकैटायन में, ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। हम पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए देख लेते हैं, हम ये बात ही नहीं करते कि हमारे पास अल्कोहल किस टाइप के है, हमारे पास सिर्फ एक ही अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल और ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हैलोजन एसिड्स हैं। अब बी आर नेगेटिव मीन्स हैलोजन आके उसे बैक साइड अटैक करेगा और एच टू को वहाँ पे पुश करेगा। अब जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलोजन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलोजन मोर इज द रिएक्टिविटी, मोर इज द रिएक्टिविटी मीन्स जितनी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी किसी भी एटम की जो भी वहाँ पे आके अटैक कर रहा है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी रिएक्शन की। अब हमें पता है कि सभी क्या दे रहे हैं, अब इन तीनों में क्या देगा, एक तो देगा क्लोराइड आयन और एक देगा ब्रोमाइड आयन और एक देगा आयोडाइड आयन। अब इन सभी में से जो जितना ज़्यादा जितने मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी है सबसे ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल वही होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबकी उस सबसे ज़्यादा उसी की होगी जिसके पास इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से और ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से, आयोडीन इज द सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो आयोडीन क्या करेगा सबसे पहले अटैक करेगा, मीन्स उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है सबसे ज़्यादा है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ओके। सो आयोडीन सबसे ज्यादा इजीली रिएक्ट करेगा, सो मैंने तभी कहा था कि एक पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो एस सी एल एच बी आर एच आई की सबसे ज्यादा रहेगी, देन एच बी आर और उसके बाद क्या आएगा वहां पे एस सी एल आएगा। सो ये आ गया आपके समझ में, जो हमने रीजन दिया है वो हमने दिया न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे कि जितनी ज्यादा रहेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम। मैंने क्या कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैंने भी यही कहा था कि जो हमारे पास जितना इजीली उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे कि उसकी टेंडेंसी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली डोनेट करेगा। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम रहेगी उसी की टेंडेंसी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को सबसे इजीली डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी वो क्या करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ही नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड फॉर ए पर्टिकुलर अल्कोहल इज दिस वन ओके। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर हैलोजन एसिड के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। उसके लिए सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट में अगर आपको बना के दिखाऊँ ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनती है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बनती है, बी आर आर ओ एच टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कि जो यहाँ पे आर पे जो पॉजिटिव चार्ज है दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट,
मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ टी एस, ये क्या ट्रांजिशन स्टेट है कि बी आर नेगेटिव जैसे ही इस पर अटैक करेगा वैसे ही जो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वहाँ पे ना तो कम्प्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना ही वहाँ पे कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जो दोनों प्रोसेस होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। सो दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोक्टाइन बन रहा है। सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्टाइन, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्कोहल, एंड वी नो दैट टर्शियरी कार्बोक्टाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोक्टाइन एंड सेकेंडरी कार्बोक्टाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोक्टाइन। सो जो हमारे यहाँ दो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुए थे उन दोनों का आंसर क्या आपके पास है, आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो कि वो जो दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे राइज हुए थे उन दोनों का आंसर आपके पास है यहाँ पे। ये था कि हम अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं क्लोरो एल्केन्स और ब्रोमो एल्केन्स की, या क्लोरो एल्केन्स की हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोमो एल्केन्स की, एंड देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे आइडो एल्केन्स की। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड की हम बात करते हैं, जो हमारे पास जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स की जो हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं या अल्काइल क्लोराइड्स हैं उनको हम जनरली सिंथेसाइज करते हैं बाय पासिंग एच सी एल गैस थ्रू स्टेबल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और उसको हम बोलते हैं ग्रो प्रोसेस, ग्रो प्रोसेस होती है हमारे पास ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल होती है स्टेबल अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेबल अल्कोहल में से हम एच सी एल गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, और लुइस एसिड हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड। हम मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हम जिंक क्लोराइड क्यों यूज करते हैं या वहाँ पे लुइस एसिड का क्या पर्पज है। मेरे पास जैसे यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3, मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 OH के साथ मैंने क्या डाला HCl, और साथ में मैंने डाला जिंक क्लोराइड, और मेरे पास बन जाएगा क्या CH3Cl+ वाटर। और जो जिंक क्लोराइड होता है जल्दी हम जो लुइस एसिड यूज करते हैं कभी भी वो अनहाइड्रस होता है, मीन्स उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, अगर उसमें वाटर होगा तो रिएक्शन में वो प्रॉब्लम करेगा। ऐसे मेरे पास अगर कोई सेकेंडरी में बनाना चाहता हूँ CH OH CH3+ HCl, हमारे पास यहाँ पे गैस होती है सो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ साथ में, और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और बनेगा क्या CH3CH CH3Cl+ वाटर। हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। अब हमने मैंने यहाँ पे लिया यूज किया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इज एन लुइस एसिड। जिंक क्लोराइड क्या होता है हमारे पास यहाँ पे लुइस एसिड होता है, जिंक क्लोराइड क्या लुइस एसिड, और लुइस एसिड का जो मेन पर्पज रहता है इस रिएक्शन में वो हेल्प करता है हमें जो हमारे पास अल्कोहल है उसमें इस बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए, जो कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसके क्लीवेज में हेल्प करता है। मैं लिख देता हूं हेल्प इन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बिकॉज लुइस एसिड क्या होते हैं हमारे पास वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लुइस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब लुइस एसिड का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद जो कार्बन और जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जब हैलोजन उस पर बैकसाइड अटैक करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, सो उस केस में जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा,
जो रिएक्शन का रेट रहेगा वहाँ पे क्या हो जाए वो रहेगा ज़्यादा रहेगा, और वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कार्बोकटैन की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक हाँ एक सेकेंड बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिंक क्लोराइड क्या करता है कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको वीक करता है, तभी क्लीवेज होगी। यहाँ पे हमारे पास फ्री कार्बोकटैन बनता है अल्कोहल की, जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन की थी तो मैंने वहाँ पे कहा था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहाँ पे फ्री कार्बोकटैन की फॉर्मेशन नहीं होती। बट इफ़ यू यूज द जिंक क्लोराइड एज एन ल्यूस एसिड देन देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ फ्री कार्बोकटैन, वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा फ्री कार्बोकटैन बनेगा। अब देखते हैं कि फ्री कार्बोकटैन की फॉर्मेशन क्या होती है, हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। वो मैंने आपको बता दिया कि जिंक क्लोराइड मैंने क्या क्यों यूज किया, सिर्फ कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको वीक करने के लिए, उसको इजीली क्लीवेज करने के लिए। जैसे मेरे पास ये हो गया CH3, CH2, OH, और मैंने इसमें क्या डाला जिंक क्लोराइड डाला। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जिंक पे क्या करेगा अटैक करेगा, जिंक पे क्या होगा अटैक होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2, ऑक्सीजन पे यहाँ पे OH पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नहीं इट्स ओके ठीक है ZN Cl2, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जिंक क्लोराइड के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा सो वहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज है वो क्या हो जाती है वहाँ पे वीक हो जाती है, जो कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे वीक हो जाएगा। सो दिस बॉन्ड इज यहाँ पे क्या हो जाएगा इजिली क्लीव हो जाएगा। ये ग्रुप इतना स्ट्रोंग लीविंग ग्रुप होता है कि यहाँ से खुद से लीव हो जाएगा, हमें उसको पुश करने की जरूरत नहीं, हमें वहाँ पे कोई भी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं है कि कोई ड्राइविंग फोर्स आए उसको वहाँ से ग्रुप को लीव करे, क्योंकि वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। मैं ये नहीं कहता कि वाटर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बट वाटर खुद से रिलीज नहीं होता जनरली। वाटर वाटर को वहाँ से रिलीव करने के लिए मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहाँ पे जरूरी है। सो उसके लिए हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, और यहाँ पे बनेगा क्या मेरे पास CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस HO ZnCl2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद क्या होगा HCl हमने उसमें डाला ही है, ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे कार्बोकटैन। ये क्या बन गया मेरे पास कार्बोकटाइन बने CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके और साथ में Cl नेगेटिव, ये इस पे यहाँ पे अटैक करेगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl में। अब देखो वहां पे मेरे पास क्या था SN2 मैकेनिज्म था। ओके बट यहां पे क्या होगा मेरे पास SN1 मैकेनिज्म होगा, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म तब होता है जब फ्रंट पोजीशन या जो फ्रंट साइड होता है वो किसी लिविंग ग्रुप ने उसको ऑक्यूपाई किया होता है, बट यहां पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। जब उसकी जो फ्रंट साइड होती है उसको कोई लिविंग ग्रुप ऑक्यूपाई कर लेता है, तब हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, और हमारे पास वहाँ पे क्या होता है SN2 मैकेनिज्म होता है। बट यहाँ पे क्या फ्री कार्बोकटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा SN1 मैकेनिज्म होगा। अब एक छोटा सा प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पे फ्री कार्बोकटाइन बन रहा है और कार्बोकटाइन बनने के बाद अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं कार्बोकटाइन रिएक्शन में हमारे पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, सो नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास वहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, नॉर्मल सी बात है हमारे पास वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, बिकॉज विदाउट रीअरेंजमेंट तो जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, और रिएक्शन तो प्योरली फ्री कार्बोकटाइन के थ्रू हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है प्योरली फ्री कार्बोकटाइन के थ्रू हो रही है। सो वो क्या जाएगा हमेशा रीअरेंजमेंट की फॉर्म में जाएगा। हम देख लेते हैं रीअरेंजमेंट वाला भी केस देख लेते हैं। सो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी रिएक्शन में आप जिंक क्लोराइड नहीं डालते, आप अल्कोहल को सिर्फ हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, चलो मैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, इसको पहले मैं आपके साथ
एक रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये रिएक्टेंट है CH3, 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 CH2, OH। HCl, ZnCl2 मैंने इसमें डाला, ये इस पर रिएक्ट करेगा CH3, 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 CH2, OH पॉजिटिव, ZnCl2 नेगेटिव हो गया, ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, माइनस HO ZnCl2 नेगेटिव, बनेगा क्या CH3, CCH3, CH3 और ये हो गया CH2 पॉजिटिव, एंड दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकटैन, बट दिस कार्बोकटैन इज कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी कार्बोकटैन बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट। सो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3, CH3, CH2, CH3 पॉजिटिव, एंड दिस वन इज टर्शरी, ये क्या हुआ डायरेक्ट प्राइमरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास HCl मैंने डाला तो क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा और मेरे पास क्या हो जाएगा टर्शरी क्लोरो टर्शरी हैलाइड की मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इस केस में क्या है कि मेरे पास टर्शरी हैलाइड बना है, बट जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए था वो नहीं बना है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना है, बिकॉज द दिस कार्बोकटाइन प्राइमरी कार्बोकटाइन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू टर्शरी कार्बोकटाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एंड प्राइमरी कार्बोकटाइन कैन बी रीअरेंज टू टर्शरी कार्बोकटाइन बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट सो ये रिएक्शन आपको आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्या रहता होगा, एक छोटा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं आपके उस कन्फ्यूजन को समझ रहा हूँ कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके पास अभी आपके सामने तीन रिएक्शन लिखता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ROH, HCl, हीट, ROH प्लस HCl प्लस ZnCl2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, ओके, और मैंने लिखा ROH प्लस HCl प्लस ZnCl2 लो कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट सब में सेम बनेगा, RCl बाय प्रोडक्ट आप लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वाटर हो सकता है आपका, यहाँ पे HO ZnCl2 हो सकता है, यहाँ पे आपका वाटर होगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आउट ऑफ दीज रिएक्शन विच वन फॉलो SN2 मैकेनिज्म एंड विच वन फॉलो SN1 मैकेनिज्म, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी और कौन सी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। सो ROH प्लस HCl ये रिएक्शन मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, वहां पे क्या था SN2 मैकेनिज्म था क्योंकि बैक साइड अटैक था, इस केस में फ्री कार्बोकटाइन बनता है, सो दिस वन इज SN1 मैकेनिज्म एंड दिस वन इज SN2 मैकेनिज्म। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये SN2 मैकेनिज्म से क्यों हो रही है, दोनों में ZnCl2 डाला है बट यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है ZnCl2, सो यहाँ पे फ्री कार्बोकटाइन बनता है और फ्री कार्बोकटाइन बनने की वजह से यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस वन इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इन SN2 मैकेनिज्म देयर इज बैक साइड अटैक, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ पे फ्रंट हो सकता है ये भी एसेंट, यहाँ पे जब ZnCl2 की लो कंसंट्रेशन होगी तो वहाँ पे फ्री कार्बोकटाइन नहीं बन पाएगा, वहाँ पे क्या होगा तब इस केस में जो रिएक्शन फॉलो होगी वो इसकी तरह होगी, उस केस में जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो फर्स्ट रिएक्शन की तरह होगी,
और एक एक हाँ देखो, अगर रिएक्शन इसकी तरह हो रही है सो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, एंड नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ पे फ्री कार्बोकटायन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट ओनली इन द केस ऑफ फ्री कार्बोकटायन। रीअरेंजमेंट तभी होगी रिएक्शन में जब फ्री कार्बोकटायन बनेगा। इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्री कार्बोकटायन देन देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर रीअरेंजमेंट फ्री कार्बोकटायन नहीं बन रहा सो उस केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्लोरो एल्केन्स। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। आफ्टर अल्काइल क्लोराइड हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, कोई भी अल्कोहल है CH3 CH2OH, मैं उसको HBr के साथ ट्रीट करता हूँ, हीट करता हूँ जनरली रूम। HBr होता है मेरे पास ब्रोमिक एसिड 48 परसेंट में, और साथ में उसमें डालता हूँ कंसनट्रेट H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, और उसको रिफ्लक्स करता हूँ। सो रिफ्लक्स करने के बाद मेरे पास बनता है अल्काइल ब्रोमाइड, और साथ में वाटर। और हम HBr अगर मैं डायरेक्ट नहीं डालता तो मैं रिएक्शन को एक तरह से और करा सकता हूँ। एक तो यह कि मैं HBr के साथ H2SO4 डाल दूँ, या मैं ऐसे भी रिएक्शन को परफॉर्म करा सकता हूँ CH3 CH2 OH प्लस H2SO4 प्लस KBr, तब भी मेरे पास क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। बिकॉज ये दोनों रिएक्शन करके क्या देंगे, KHSO4 प्लस HBr, ये दोनों रिएक्शन करके क्या निकाल लेंगे, KHSO4 प्लस HBr की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं आइडो अल्केन की बात करता हूँ, अल्काइल आयोडाइड की अगर मैं बात करूँ, सो अल्काइल आयोडाइड के केस में हम हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेंगे, और अगर मैं अल्काइल आयोडाइड की बात करता हूँ, अल्काइल आयोडाइड के इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मैं रिफ्लक्स कर सकता हूँ, यहाँ पे रिफ्लक्स करने से रिएक्शन हो जाएगी अल्काइल आयोडाइड, या मैं H2SO4 के साथ, H2SO4 नहीं मैं यहाँ पे यूज़ करता, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं H3PO4 और साथ में पोटासियम आयोडाइड। सो ये रिएक्शन करके मुझे देंगे KH2PO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे मैं पोटासियम आयोडाइड यूज़ करूँगा और साथ में यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे मेरे पास निकलेगा KH2PO4। सो मैं इस मेथड से भी अगर मुझे अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करनी है सो वहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ करके या H3PO4 के साथ पोटासियम आयोडाइड यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अल्काइल ब्रोमाइड की बात कर रहा हूँ सो वहाँ पे मैं H2SO4 के साथ पोटासियम ब्रोमाइड की यूज़ कर सकता हूँ। सो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल के और भी मेथड हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास हैलोजन का सोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।